हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू रिंग, ड्यू टू डिस्क, उसके बाद आर्क, उसके बाद स्ट्रेट लाइन। यहाँ तक रुके, स्ट्रेट लाइन में इंटीग्रेशन बड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई थी, फिर हमने वो रास्ता ही छोड़ दिया इंटीग्रेशन का, एलिमेंट लेने पड़ते थे। अब नई चीज़ इंट्रोड्यूस की फ्लक्स, फ्लक्स से ई की वैल्यू निकालना बहुत आसान है। अब हम नई फिगर्स का ई निकालना चाह रहे हैं। नई फिगर्स में पहला जो केस होगा ई निकालने का वो ये होगा, सबसे पहले मैं आपको दूंगा स्ट्रेट लाइन चार्ज, इनफाइनाइट लाइन चार्ज, और आपको कहूंगा आर डिस्टेंस दूर ई निकालो। आप कहोगे इसका फॉर्मूला तो हमने कर लिया था, हमने अभी इसका फॉर्मूला कर लिया था, इसका प्रूफ नहीं मैंने करवाया, इंटीग्रेशन बड़ी कॉम्प्लेक्स थी, छुड़वा दिया था। प्रूफ एनसीईआरटी के अंदर है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम, विदाउट गॉस थ्योरम बहुत टफ है, विद गॉस थ्योरम दो मिनट का काम है। तो मैं ये बताने जा रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशंस को सही करता है गॉस थ्योरम। तो ये पहली एप्लीकेशन करेंगे। दूसरी करेंगे एक शेल, शेल का मतलब एक स्फीयर जिसकी सरफेस के ऊपर चार्ज है, इसको शेल बोलते हैं। शेल के बाहर ई निकालेंगे, इस शेल के ऊपर ई निकालेंगे, शेल के अंदर भी ई निकालेंगे। फिर करेंगे एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के बाहर ई निकालेंगे, इसकी सरफेस के ऊपर ई निकालेंगे और इनसाइड ई निकालेंगे। ये गॉस थ्योरम दो दो मिनट में ठीक कर देगी, मतलब इतनी इंटीग्रेशन है ही नहीं, हार्डली दो या तीन मिनट में एक टॉपिक खत्म हो जाता है। फिर हम निकालेंगे एक शीट, इनफाइनाइट शीट, एक बहुत लंबी शीट है, आर डिस्टेंस दूर शीट की वजह से ई निकालेंगे। ये हमारा गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन का पार्ट है। तो हम इसमें चार एप्लीकेशंस करने वाले हैं, जिसमें चार फिगर और ऐड होने वाली हैं जिसमें कि ई निकलेगा। उसमें से पहली जो फिगर है वो है इनफाइनाइट लाइन चार्ज। ये देखो, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब लेंथ वाइज, जिसको क्या बोलते हैं, लाइन चार्ज, और इनफाइनाइट वायर का केस है। इसके लिए ये बताया जाता है कि सपोज करो आपके पास एक इनफाइनाइट वायर है कुछ ऐसे, इस इनफाइनाइट वायर पे लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, तो आप क्या यूज करेंगे, डेंसिटी लैम्डा। अगर आपको r डिस्टेंस दूर e की वैल्यू निकालनी है, तो इमेजिन करें हवा में एक गॉशियन सरफेस, ये गॉशियन सरफेस की वैल्यू कितनी है, ds। ये r डिस्टेंस दूर गॉशियन यहां भी हो सकती है, 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 कहीं भी हो सकती है। अगर आप इन सभी गॉशियन सरफेसेस को मिलाएं, जैसे ये लाइन चार्ज है, r डिस्टेंस दूर ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, मिलाएं तो क्या बनेगा, इमेजिनरी सिलेंडर, इमेजिनरी सिलेंडर। तो इसमें जब आप इन सबको मिलाएंगे तो इमेजिनरी सिलेंडर बनने वाला है, तो फिगर कुछ ऐसी बनेगी। तो ये देखो, ये फिगर ऐसी ही बनी हुई है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, इनफाइनाइट का बहुत लंबी वायर है, पर आपने इसका एक पोर्शन कंसिडर किया है एल। आप आर डिस्टेंस दूर ई निकालना चाहते हैं, इधर या इधर जहां मर्जी, तो आपने क्लोज्ड बॉडी बना दी ताकि आप गॉस थ्योरम अप्लाई कर सकें, और क्लोज्ड बॉडी क्या है, एक सिलेंडर। ये इमेजिनरी है, ये एक्चुअल में यहां कुछ नहीं, हवा में बातें हो रही हैं, एक्चुअल में तो चार्ज यहीं पर है, ठीक है। यहां तक एरिया वेक्टर यहां पे ds होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस राइट की तरफ। यहां पे अगर ई निकालना है तो प्लस वन रखो, तो ये प्लस प्लस को रिपेल करेगा, तो ई वेक्टर और ds वेक्टर एंगल इनके बीच में क्या होगा, जीरो। स्मॉल फ्लक्स इसका क्या होगा, इस सरफेस का स्मॉल फ्लक्स क्या होगा, ई डी एस कॉस जीरो, और पूरे सिलेंडर का, पूरे सिलेंडर को क्या बोलते हैं, टोटल गॉशियन सरफेस, फ्लक्स किसका निकल रहा है, गॉशियन सरफेस का। तो पूरे सिलेंडर का फ्लक्स कैसे निकलेगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, क्लोज इंटीग्रेशन। तो ये फाई आ गया, और इंटीग्रेशन ऑफ डी एस क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है, टू पाई आर एल। ये क्वेश्चन आ गई। तो हमने फ्लक्स निकाला कैसे, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर से, कर दी इंटीग्रेशन, आंसर आ गया। अब ये बात अगर किसको पता लगे, गॉस को, तो गॉस कहते हैं तलंबक करवाया क्यों है भाई, मेरे से पूछ लेते, ये बताओ क्लोज बॉडी कहाँ है मेरे नाम की, ये री गॉशियन सरफेस इसके नाम की बना रखी है, बोलो इसके अंदर कितना चार्ज है, तो गॉस थ्योरम के बस इतना चार्ज है, बाकी चार्ज तो क्लोज बॉडी के बाहर जा रहा है। कितना चार्ज है, जो एल लेंथ का चार्ज है, तो क्यू इनसाइड में क्या आएगा, लैम्डा इंटू एल। वो कहता है इंटीग्रेशन करवा क्यों रहे हो, लैम्डा इंटू एल कर दो, खत्म। तो चार्ज आ गया,
बाई एप्सिलॉन नॉट। तो मैंने कहा ये तो कर ली, ये कर ली, ये भी कर ली, दोनों को इक्वेट कर दो, बात तो एक ही है। दोनों मेथड से जब फ्लक्स निकला, एल से एल कैंसल, ई बाहर आ गया। और ये ई वही है जो आपने फॉर्मूले में नोट किया था, इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करके देखो, आंसर वही आएगा, 1/4 pi epsilon naught 2 lambda by r, ये आएगा। चेक कर लो, वही है जो आपने फॉर्मूला रजिस्टर में एंटर किया था। सही है यहां तक? जबरदस्त है फ्लक्स। पहले ई डॉट डी एस, फिर फ्लक्स की, गॉस थ्योरम की बात सुन लो, इक्वेट करो आंसर। इसके अंदर ग्राफ प्लॉट करने को अगर आ जाए, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का ग्राफ बनेगा हाइपरबोला। मतलब अगर इसमें आ जाए कि ग्राफ प्लॉट करो ई वर्सेस आर का, ये आर है, ये ई है, तो ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, क्लियर है? तो आपने लाइन चार्ज का फॉर्मूला तो मेरे ख्याल से फॉर्मूला रजिस्टर में ऑलरेडी एंटर किया हुआ है, इनफाइनाइट चार्ज। आप कहेंगे घर जाके आएगा दिमाग, अभी नहीं आएगा कि सर बाकी सब तो ठीक है, मैं घर जाके जब रिवाइज कर रहा था तो आपने वो बहुत सारे फॉर्मूले करवाए थे, एंगल थीटा 1, थीटा 2, इनफाइनाइट। इसमें तो केस ही इनफाइनाइट है, फाइनाइट का कैसे करेंगे? फाइनाइट का नहीं आएगा, इनफाइनाइट पे काम करेगा। फाइनाइट के लिए एक्चुअल इंटीग्रेशन ही करनी पड़ती है, घर घर में आएगा, माइंड में आएगा।